मंगलम भगवान अबीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, चौबीसो भगवान की, वर्तमान शासन के महावीर भगवान की, चंद्रप्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, जैसे दिशाचार है पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, उसी प्रकार चार अनियोग है शास्त्र में आचरण उल्लेख किया, वैसे चार कषाय है, उसी प्रकार चार संज्ञा भी है, आर संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये चार संज्ञा भी आचरण दिया। इसमें विशेष रूप से सबसे जो भी आकुलता पैदा करने वाला कौन सा है, इसमें आहार संज्ञा है। आहार नहीं है तो कुछ नहीं है, पेट में आहार नहीं है, महाराज के लिए बोल देना चलो महाराज प्रवचन के लिए, जाओ कहते तुम प्रवचन के लिए, हम आहार के लिए जा रहे हैं। कोई व्यक्ति भूखा है उनको बोल देना चलो प्रवचन सुनने के लिए, तुम जाकर बैठो कहते हो हम भोजन के लिए जा रहे हैं। सुन रहे क्या नहीं, पेट खाली है तो कुछ होता नहीं, आकुल व्याकुल होता व्यक्ति, भोजन है तो भजन है, भोजन है तो भजन में नहीं है, ये स्थिति वर्तमान में भी आकुलता पैदा कर देता है। अब इसमें जो भी आहार करने के लिए भी अपने पास थोड़ा सा जो दिमाग है ज्ञान है उसका प्रयोग करना पड़ता है, यदि प्रयोग नहीं करोगे तो तिरंज में आप में कोई अंतर नहीं आएगा। फिर भी तिरंज विवेकी है, पहला देखता है, सुनता है, चखता है, बाद में खाता है, लेकिन मनुष्य कैसा प्राणी है, न देखता है न सुनता है न चखता है, डायरेक्ट सीधा खाना प्रारंभ कर देता है। वैसे देखा जाए मनुष्य विवेकी है, क्या अपना दूसरे का भी कल्याण कर सकता हो, इतना विवेक उनके पास है। इसलिए कहा जाता है मैन इज ए रैशनल एनिमल, मनुष्य एक सभ्य प्राणी है, विवेकी है, वो चाहे तो अपने कल्याण के साथ साथ दूसरे का कल्याण कर सकता है, लेकिन अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करता, ज्ञान का प्रयोग नहीं करता। अपने पास जो ज्ञान है उसका भी सही आप प्रयोग करते हैं तो भी आज भी जितना हो सके उतना कल्याण हो सकता है, लेकिन हम अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। जैसे आप भोजन के लिए बैठने वाले हैं, घर के लोग रोटी बनाते रहते हैं घर में, लेकिन उसको भी ध्यान से करना पड़ता है, ध्यान से मन एकाग्र करके उस ध्यान देना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। यदि तवा में आपने रोटी डाल दिया देखा नहीं तो जल जाएगी, काला पड़ जाएगा, तो उसी को परोस दो, सामने वाले आ गए ना घर वालों को, क्या होगा, वो थाली चक्र बन जाएगी आपके ऊपर गिरेगी। वो सुन रहे क्या नहीं, ज्ञान का थोड़ा सा भी इधर उधर बैलेंस बिगड़ जाता है तो व्यक्ति का जीवन में सब गड़बड़ी हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जो भी अपने पास जो दो प्रकार के ज्ञान है, मति ज्ञान अशुद्ध ज्ञान, इसका प्रॉपर उपयोग कर लेते हैं हम सही प्रकार से, हमारा जीवन आज भी सही प्रकार चल सकता। एक रूपक याद आ गया हमें, इसके बारे में हम आप लोग सामने रखना चाहता हूँ। जो चार सूरदास थे, सूरदास जानते हैं आप लोग, सूरदास का मतलब जन्मांध थे, वो अंधे लोग थे, चार वो मित्र थे
आप जिस प्रकार मित्र लोग रहते हैं आपस में चलता रहता गठबंधन सरकार, उस प्रकार जो भी वो भी चार लोग मित्र थे, लेकिन वो कलाकार थे, चारों मिलकर रहते थे, जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उनके मन में आ गया, चलो हम यात्रा करके आएंगे। घर के लोगों को बोल दिया हम यात्रा के लिए जा रहे हैं। घर के लोग समझा उनको, आप तो सूरदास है, दिखते ना आपको कुछ दिखाई देता नहीं, कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे, कौन व्यवस्था करेगा, आप घर में रहो मत जाओ। तो फिर भी वो लोग कहते नहीं, हम लोग कलाकार है, हम कला दिखाते हुए हमारा भोजन की व्यवस्था करते हुए हम चले जाएंगे, यात्रा करेंगे। तो घर के लोगों ने एक दो दिन का भोजन वगैरह बनाकर दे दिया, और दो दिन के भोजन लेकर के वो चारों लोग चले गए, हाथ में लठिया और किनारे किनारे से जा रहे। देखो उनके पास दृष्टि भी नहीं है, आंखों की दृष्टि नहीं है, दिखाई देता नहीं, फिर भी वो लोग रोड किनारे से जा रहे, रास्ते किनारे से जा रहे। कितना विवेक है उनके पास, ज्ञान है क्या? नहीं, ज्ञान है, वो ज्ञान आपके पास भी है, लेकिन आप किनारे से जाते नहीं, जाते कि देखो अपने मन को पूछो, बीच में चलते रहते हो, चलते क्या? नहीं, यहाँ हार के समय पड़गान होता रहता है, बीच में घूमते रहते हैं। ये आपका जो भी विवेक का परिचय दिया जा रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है, विवेक रखना चाहिए। अब वो सूरदास होते हुए चारों एक किनारे से एक ही पीछे जा रहे बोलते हुए, इसका मतलब सामने वाले का आवाज सुन करके पीछे वाला चलता रहता है, उनके पीछे का उनके पीछे चलता रहता है। इस पर चारों लोग एक दूसरे से बातचीत करते हुए जा रहे, 10 मील चले गए। 10 मील जाने के बाद एक राजधानी लगी, उस राजधानी में पूछा उन लोगों ने, यहाँ राजा कौन है? उस समय राजा लोग रहते थे, तो पूछा यहाँ राजा है, राजा का महल कहाँ है? तो इस ओर है। वो पूछते पूछते पहुंच गए वहां, तो पहरेदार ने पूछा, द्वारपाल रहते ना, पूछा क्या कहते हो, हमें राजा को मिलना है। क्या कहा उन लोगों ने, हमें राजा को मिलना है। उन्होंने सोचा कुछ बता नहीं रहे लोग, राजा के परिचित लोग होंगे, लोग डायरेक्ट कह रहे हैं, हम राजा घूमता रहता उस प्रकार सुन रहे क्या? नहीं, अन्यथा नहीं मानना, और मर्यादा जो भी स्त्रियां हैं उनका काम नहीं है, उच्च गण के लोग काम नहीं है, ये तो बताया जा रहा है। अपने ज्ञान होते हुए भी अब उसको प्रयोग नहीं कर रहे हम, मर्यादा में रहना ही अपना काम है, विवेक वही हमारा, वही हमारा धर्म है। तुम मंदिर भी जा रहे, भगवान गुरु के पास भी जा रहे, धर्म भी कर रहे, नियम भी कर रहे, लेकिन फिर भी उसको धर्म मान रहे आप, तो मर्यादा नहीं है, ये सभी आपका व्यर्थ है का। इसलिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का उपयोग करते हुए आप लोग जिस प्रकार सूरदास जन्म से अंधे होते हुए अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए राजा के लिए अपने परिचय दिया, अपना ज्ञान का परिचय दे दिया, राजा के लिए भी बोध हो गया भाई मुझे, मेरे पास भी ज्ञान है, उसका उपयोग करना चाहिए, उसके माध्यम से मेरा भी कल्याण हो सकता है। उसी प्रकार आप लोग भी अपने पास जो ज्ञान है उसका प्रयोग करते हुए आगे बढ़े और आप सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान।